हमारे इस पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं, जिनमें से कई घटनाएं बेहद सामान्य होती हैं, तो कुछ घटना बेहद चौंकाने वाली। अब दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे कि आज हम इतनी बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमय मानी जाती हैं। जी हाँ, इनमें से कई घटनाएं तो ऐसी हैं जिनके ऊपर साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी आज तक इन सब का ठीक ठाक कारण पता नहीं चल सका। हालांकि ये अपने आप में बेहद अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस के इतने ज्यादा तरक्की होने के बावजूद भी इन घटनाओं पर से अभी भी पर्दा नहीं उठ सका। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में। फ्लैश इन स्काई। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के वक्त आसमान अंधेरी की वजह से काले रंग का दिखाई दिखता है, लेकिन क्या हो अगर रात के वक्त पूरा आसमान अचानक रोशनी से भर जाए। तो दोस्तों जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसे नवंबर 2014 में रशिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। सर्दी का मौसम था और शाम के 4:40 हो चुके थे। सूरज आसमान से पूरी तरह से गायब हो चुका था। इसके बाद अचानक आसमान में तेज येलो रोशनी पैदा हुई, जिसने हर तरफ उजाला कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो फ्लैश लाइट हो। ये रोशनी करीब 11 सेकंड्स के लिए आई थी और फिर अपने आप गायब हो गई। ये घटना सभी लोगों को इसलिए हैरान कर देती है क्योंकि इस घटना के दौरान कोई भी आवाज पैदा नहीं हुई, जो इस घटना को और भी रहस्यमयी बना देता है। यहाँ तक कि वेदर एक्सपर्ट इस बात का अभी तक अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि ये रोशनी किस चीज से पैदा हुई, और इसी वजह से ये रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। सन हेलो। दोस्तों आप सभी रोजाना सूरज को देखते होंगे क्योंकि इसकी रोशनी तेज होती है, जिसकी वजह से इसे लगातार देख पाना सभी लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। क्या कभी आपने सूरज को इस कंडीशन में देखा है? इस नेचुरल फिनोमिना को सन हेलो कहा जाता है, जिसमें सूरज के इर्द गिर्द एक हेलो लाइट बन जाती है, जिसे देखने पर यह बहुत ही अनोखा लगता है। यह हेलो लाइट एक रिंग की तरह होती है। अगर कोई इसे पहली बार देखे तो इसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि आसमान में पेंटिंग बना दी गई हो, लेकिन हकीकत में ऐसा आई क्रिस्टल की वजह से होता है। ये आई क्रिस्टल फिनोमिना है। सूरज की ये कंडीशन ज्यादातर सर्द और बर्फीली इलाकों में देखी जा सकती है। आप खुद ही देखिए ये कितने सुंदर लगते हैं। जब ये हेलोस बनते हैं तो उस वक्त सूरज की रोशनी कम होने लगती है, जिसकी वजह से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ब्लड मून। दोस्तों आपने रात के समय चांद को तो देखा होगा, जो सफेद कलर का होता है, लेकिन क्या कभी आपने आसमान में रेड कलर का चांद देखा है? नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो को देखिए, जहां हमें रेड कलर का चांद नजर आ रहा है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये हॉरर मूवी का कोई सीन हो। इसे देखकर लोगों को पहले ये लगा कि ये फेक है और इसमें एडिटिंग की गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है और ये रेड मून एक नेचुरल फिनोमिना है। इस करिश्मे की असल हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन एक साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा तब होता है जब सूरज घूमते हुए चांद के रास्ते में आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो सूरज की रोशनी अर्थ से टकराकर चांद तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वो लाल रंग का नजर आता है। मगर ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं बता पाया। अननोन ऑब्जेक्ट। दोस्तों चाहे दिन हो या फिर रात, हमें आसमान में अनगिनत हवाई जहाज ट्रेवल करते नजर आते हैं। एरोप्लेन चाहे आसमान में कितना भी ऊंचा क्यों न उड़ ले, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एरोप्लेन है। लेकिन ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डेफिनेटली कोई एरोप्लेन नहीं हो सकता। कोई नहीं जानता कि आखिर ये चीज है क्या। ये तेज रोशनी आसमान में ट्रैवल करती नजर आती है और इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि इसे आराम से देखा जा सकता है। इस चीज को सबसे पहले रशिया में देखा गया था, लेकिन इसके अलावा भी इसे दुनिया के अलग अलग इलाकों में देखा जा चुका है। ये रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, इसकी रोशनी कम होने लगती है और अंत में ये बिल्कुल एक सितारे की तरह दिखाई देता है। इसे पहली बार देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई स्पेसशिप हो, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर ये चीज थी क्या। एस्प्रिटस। दोस्तों दुनिया के कुछ इलाकों में बादल की फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, लेकिन इसकी मूवमेंट और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन ये जो रेयर क्लाउड फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये साउथ डकोटा में रिकॉर्ड की गई थी। पहली नजर में देखने पर ये वीडियो एडिटिंग का काम लगता है, और साल 2018 तक इसे फेक माना जा रहा था।
इसके अलावा साइंटिस्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर साल 2019 में इसे ऑफिशियली वेदर फिनोमिनन करार दिया गया। इस क्लाउड फॉर्मेशन में बादल समुद्र की लहरों की तरह ऊपर से नीचे की तरफ हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बड़ा सा बादल समंदर की बड़ी लहरों की तरह हरकतें कर रहा हो। यह दुनिया की सबसे स्ट्रेंज फिनोमिना में से एक है। पहली नजर में ऐसे बादलों को देखकर इंसानों को खौफ आ जाता है। इस क्लाउड फॉर्मेशन को एस्प्रिटस का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये करिश्मा बहुत ही रेयर है और इसे बहुत से इलाकों में देखा जा चुका है। फायर रेनबो। दोस्तों, आप सभी ने बारिश के बाद बनने वाले रेनबो को तो जरूर देखा होगा। ये दुनिया का सबसे नेचुरल चीजों में से एक है, लेकिन क्या कभी आपने आसमान में इसी तरह के कलरफुल बादल को देखा है? इस नेचुरल फिनोमिना को फायर रेनबो कहा जाता है। असल में ऐसा तब होता है जब सूरज की रोशनी स्पेसिफिक शेप की आइस क्रिस्टल से टकराती है। कुदरत का ये खूबसूरत करिश्मा बहुत ही रेयर होता है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब सूरज बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है। तब सूरज की रोशनी आइस क्रिस्टल से टकराती है, जिसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर बादल पर पड़ता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बादल से किसी ने रंग भर दिया हो, और ये नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक फायर रेनबो को देखने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन लॉस एंजलिस है, क्योंकि वहाँ सूरज 58 डिग्री हाई होता है, जिसकी वजह से ये रेनबो क्लाउड देखने को मिलता है। मिस्टीरियस वॉर्म होल। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी कुदरती चीजें हैं जो इंसानों के समझ के बाहर हैं। आए दिन दुनिया में ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं, जिसको देखकर इंसान के होश उड़ जाते हैं। अब ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेनेबल नेचुरल फिनोमिना है। इस वीडियो को 9 मई 2020 को रिकॉर्ड किया गया था। इस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, और जब एक इंसान ने आसमान में देखा तो इसे एक स्पेस बादलों में फील होता दिख रहा था, और इसके साथ ही यहाँ से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसे इस व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। ये होल बादलों से फील तो हो गया, लेकिन इसके सर्कल से रोशनी नजर आती रही। इसे पहली बार में देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये सूरज होगा, लेकिन ठीक उस वक्त सूरज उस रोशनी के ऑपोजिट डायरेक्शन में था। आखिर ये चीज थी क्या? इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। कई लोगों के मुताबिक ये एक वर्म होल था, जो कि किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता था। दोस्तों, आपने बारिश तो देखी होगी और आसमान से ओले गिरते हुए भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने आसमान से कभी मीट गिरते देखा है? जी हाँ, ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा और आप इसे झूठ समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये सच है। ये घटना है साल 1876 में, जब बाउथ कंट्री के रंकिन में अचानक मीट की बारिश होने लगी। आसमान से मीट के टुकड़े गिर रहे थे। न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच कर पाया कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं, लेकिन आज तक इस बात की असलियत किसी को पता नहीं चल पाई, जिसकी वजह से ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी रहस्यमय वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद।